हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर शो विद मी दीपक यादव। तो गाइस, आज है तारीख 24 सितंबर 2020 और है थर्सडे। देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये जो करंट अफेयर सीरीज है, ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली सुबह 4 बजे MCQ सीरीज अपलोड होती है, MCQ की वीडियो अपलोड होती है। तो गाइज, वो अपलोड हो चुकी है आज की, जाके उसे आप देख सकते हैं। और डेली फिर उसके बाद 4 बजे के बाद 5 बजे डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। फिर 6 बजे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होती है, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। ये हमारे चैनल का मोस्ट फेमस वीडियो है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो है। और गाइज, अगर आप लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, और वैसे भी स्किप मत करना, क्योंकि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो माना जाता है, ठीक है। सारे ही एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फिर से कि अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो बिल्कुल मिलेगी। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिखाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करना, वो लिंक जाके एक चैनल पे खुलेगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस चैनल का नाम है दीपक यादव IAS Academy। वहाँ पे आपको डेली जो है इन तीनों वीडियो की जो है PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, साथ ही साथ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। और गाइज, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये तीनों वीडियो अगर कवर कर ली तो आपकी समझ लो काम हो चुका है। आपको करंट अफेयर्स के लिए और कहीं नहीं जाना है, करंट अफेयर में ये तीनों वीडियो में सारे के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके पास डेली तीनों वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाए। तो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ वो क्या है, नेशनल न्यूज़ है, ठीक है। नेशनल न्यूज़ को देखेंगे, इसमें क्या बात करी गई है, जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, इन्होंने चेयर करा आरोग्य मंथन 2.0 को। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे डिटेल में कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। कौन है जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं, वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अभी हुआ क्या है, जो हमने एक स्कीम लॉन्च की थी, वो कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जिसे हम लोग ABPMJAY स्कीम कहते थे। ये इसकी सेकंड एनिवर्सरी थी अब की बार, तो इसकी सेकंड एनिवर्सरी के तौर पर एक हमारा जो है ये मीटिंग रखी गई, आरोग्य मंथन 2.0। तो उसकी जो चेयर किसने करा, उसके जो चेयर पे मेन जो चेयर थी उनके, उसके चेयर जो करा है वो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने यहाँ पर जो है इस मीटिंग को लीड करा है, ओके, इसको ऐसे कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ से हम क्या ले सकते हैं, इसमें जो हमारे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके CEO कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है हमारी डॉक्टर इंदु भूषण जी। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की CEO हैं वो हैं डॉक्टर इंदु भूषण जी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल खबर देखेंगे। ये कौन है, बहा एंडो, ठीक है, आप बहा एंडो कह लो, ये है पर्सनैलिटी। बहा एंडो जो है एक नए इंतरिम प्रेसिडेंट बन चुके हैं माली के, ठीक है। जो माली एक कंट्री है हमारी, उस जगह के जो हमारे बाब एंडो हैं वो इंतरिम प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो माली के अभी इंतरिम प्रेसिडेंट कोई प्रेसिडेंट बना है माली के, वो कौन है? तो वो है हमारे बहा एंडो, ठीक है। ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, अब यहाँ पर ये इंतरिम प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है माली की आपसे कैपिटल पूछी जा सकती है। माली की कैपिटल है बमाको, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी जो पैसा इस्तेमाल करा जाता है वो कौन सा करा जाता है, वेस्ट अफ्रीकन CFA franc का यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है, इसको याद रखना। उसके बाद आज की हमारी तीसरी न्यूज़, सॉरी मैंने नंबर ही गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, आज की जो है तीसरी न्यूज़ है ये, ये किस चीज़ के बारे में है, HDFC लाइफ और यस बैंक दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, HDFC बैंक और यस लाइफ बैंक, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं? क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं ये दोनों मिलकर उनको सेल आउट करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को यहाँ पर बेचेंगे दोनों मिलकर, ये दोनों बैंक मिलकर। और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होंगी, वो जो जीवन बीमा होगा, उससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे लोगों को। जो भी अपना जीवन बीमा कराएगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, सेविंग्स मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट रहेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे क्रिटिकल इलनेस कोई बीमारी वगैरह होगी तो उसको इंश्योरेंस का पैसा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप्स किसके द्वारा उठाया जा रहा है, HDFC बैंक और येस बैंक के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा रहा है, इसको याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इस न्यूज़ से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ सकते हैं, वो है हमारा HDFC के जो CEO है वो कौन है, वो है विभा पदालकर, ठीक है। और HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे येस बैंक की जो CEO है वो कौन है, प्रशांत कुमार वो है। और उसके बाद जो येस बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में येस बैंक का हेडक्वार्टर है। ओके, आज की हमारी पांचवी न्यूज़ क्या बोलती है, ये जो एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें क्या बोला गया, जो गूगल पे है आपको फ़ोन में होगा, बहुत से लोगों के जो वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोगों के फ़ोन में होगा गूगल पे, गूगल पे ने पार्टनरशिप करा है वीज़ा के साथ। वीज़ा आपको पता होगा, एक वीज़ा कार्ड है हमारा, ठीक है, तो वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करा है। और पार्टनरशिप करने के साथ साथ यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि जो वीज़ा कार्ड होता है, तो जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है हमारा वीज़ा का, तो अगर आपको कुछ चीज़ लेनी हो, कोई पेमेंट करनी हो, तो आपको अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है, ठीक है, फिजिकली आपको कार्ड की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब गूगल पे और ये दोनों, गूगल पे और वीज़ा दोनों मिलकर यहाँ पे पार्टनरशिप कर चुके हैं। और पार्टनरशिप में क्या हुआ इन दोनों का, कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिटेल शेयर नहीं करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास एक डिजिटल टोकन आएगा, और डिजिटल टोकन को आप जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है, आपके फ़ोन से वो अटैच रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे शेयर करना है, और आपको अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को देना आपको ही ज़रूरी नहीं रह गया है। ओके, अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें पूछा जा सकता है आपके गूगल के CEO कौन है। सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सुंदर पिचाई जी यहाँ पर गूगल के CEO हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दमदार स्टोरी, आप इनकी स्टोरी सुनना, काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे छोटे सी फैमिली से ये गूगल के CEO बन गए, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि जो गूगल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैनेजर हैं वीज़ा के, वीज़ा जो हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जो वीज़ा है, उसके जो मैनेजर हैं वो कौन है, TR रामचंद्रन इसके मैनेजर हैं, ठीक है। चलो, आज की हमारी छठी न्यूज़ क्या बोलती है, ITBP और उत्तराखंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो टूरिज्म है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, कि टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, दैट इज़ वाई IDBP और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ये दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ है, इन दोनों के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये दोनों क्या करेंगे, जो हमारा टूरिज्म है, टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ताकि इससे पता चले लोगों को, लोग अवेयर रहें टूरिज्म से रिलेटेड, और लोग भी जाएं, ठीक है, टूरिज्म करने, टूर करने। तो ITBP की फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसको याद रखना। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर पुलिस है और साथ ही साथ उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, ये दोनों मिलकर, दोनों आपस में कह सकते हो आप पार्टनरशिप करने के बाद जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर की बात, अब स्ट्रेटिक पोर्शन से आप क्या पढ़ सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या पढ़ सकते हो, जो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के आपसे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है त्रिवेंद्र सिंह जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और चीफ उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, वो है बेबी रानी मौर्य। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है जो ITBP है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है सुरजीत सिंह देसवाल, इसको भी याद रखना। उसके बाद अब नेक्स्ट आती है हमारी अपॉइंटमेंट्स एंड न्यूज़, कि कौन कौन सी कंपनीज हो गई, कौन से बैंक्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिन्होंने अपॉइंट करा है किसी पर्सनालिटी को। तो फिर अब यहाँ पर देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि जो हमारा IMF है, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी एक एडवाइज़र को अपॉइंट किया है, और उस एडवाइज़र का नाम है सीमांचल दास, ठीक है, सीमांचल दास को अपॉइंट करा गया है एज अ एडवाइज़र टू दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसको याद रखना, एक आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अब यहाँ पर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप ये बताओ, तो उसका हेडक्वार्टर है Washington DC में और यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आज के टाइम पे वो कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की आठवीं न्यूज़ कवर करते हैं, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है हमारी, जो कॉलोनल डॉक्टर गिरिजा मुंगली हैं,
ठीक है, इनका नेम आया है एएफसी टास्क फोर्स में। एएफसी क्या है? हमारा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ये जो बॉडी है, ये क्या, जो हमारे फुटबॉल मैचेस वगैरह होते हैं उन मैचेस को कंडक्ट कराती है। जैसे हमारी क्रिकेट जो के मैचेस होते हैं वो बीसीसीआई कंडक्ट कराती है, वैसे ही जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं वो हमारा एशियन फुटबॉल मैचेस होते हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कंडक्ट कराती है। तो फिर इसकी अभी सेवेंथ मेंबर बनी है, कौन बनी है, सेवेंथ मेंबर बनी है इस बॉडी की, वो है डॉक्टर गिरिजा मुंगली। आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि लोग नहीं बता पाएंगे, ये काफ़ी डीपली पढ़कर ये आर्टिकल आपको बताया जा रहा है। ओके, तो फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है ये एक नोडल गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की एशिया में, ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसका हेडक्वार्टर बता दो, एएफसी यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको ये बताना होगा। तो इसका सीधे सीधे जवाब है मलेशिया, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद आज की नवी न्यूज़। नवी न्यूज़ क्या बोलती है, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर आश भारती, इन्होंने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप को जीता है। आर्टिकल हमारे ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने डिफेंस न्यूज़ की। डिफेंस न्यूज़ क्या बोलती है, जो इंडिया की नेवी है और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है, दोनों मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैसेज एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट किया गई है, की गई है, वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप बताओगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्री के बीच में पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट करा गया है इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। चलो, इसको भी कंप्लीट किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नेवल स्टाफ है उसके चीफ कौन है, हु इज़ द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, आपसे पूछा जा सकता है। एक दो तीन चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको आंसर टिक लगाना है, एडमिरल करमबीर सिंह जी यहाँ पर नेवल स्टाफ हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की, ठीक है। आप एसएससी का एग्जाम देखोगे तो एसएससी के एग्जाम में बुक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल, ठीक है, जब भी एसएससी का एग्जाम होता है। तो फिर अभी यहाँ पर आप देखोगे एक बुक जिसका नाम है वॉइसिस ऑफ डिसेंट, ये ऑथर करी गई, लिखी गई किनके द्वारा, ये पर्सनालिटी इनके द्वारा, रोमिला थापर, रोमिला थापर जी के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है वॉइसिस ऑफ डिसेंट। अब ये जो बुक है अक्टूबर को आ जाएगी, ठीक है, अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगी। और ये बुक किसके द्वारा पब्लिश करी गई है, किस कौन सी कंपनी के द्वारा, पेंगुइन रैंडम हाउस कंपनी के द्वारा इसको पब्लिश करा गया है। और ये बुक किस चीज़ के ऊपर है, कौन से टॉपिक के ऊपर लिखी गई है, इस बुक के अंदर क्या मैटर है, इस बुक के अंदर सिटीजनशिप लॉ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। आप देख सकते हो जैसे कि हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया और उसके बाद क्या क्या उससे रिलेटेड सिचुएशन देखने को मिली, ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर होंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। सबसे पहला आता है हमारा वर्ल्ड राइनो डे, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से दिन को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है, वो है 22 सितंबर। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है और इसी का ही मैंने आज थंबनेल भी लगा रखा है, इस वजह से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो वर्ल्ड राइनो डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो राइनो है, राइनो की प्रजातियाँ हैं, राइनो की जो स्पीशीज़ हैं, जैसे कि प्रजातियाँ हैं, वो कम होती जा रही हैं, राइनो पॉपुलेशन में कम होते जा रहे हैं, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है, क्योंकि जो है एनिमल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम होते जा रहे हैं पूरी हमारी पृथ्वी के ऊपर, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, दैट इज़ वाई हम राइनो डे मनाते हैं और वो भी 22 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी गई है एक इंपॉर्टेंट चीज़, राइनो की 5 स्पीशीज़ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रजातियाँ होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है 22 सितंबर को। और वो 5 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ लो, पहला है हमारा ब्लैक राइनो, दूसरी वाइट राइनो, फिर उसके बाद ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जिसका सबसे बड़ी जो है सींग होती है, ठीक है, उसके बाद सुमत्रन राइनो और जवान राइनो, यहाँ पर ये 5 स्पीशी हैं राइनो की। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है हमारा, 23 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हाथ का इस्तेमाल कराया जा रहा है, यानी कि इशारा का इस्तेमाल कराया जाता है, ठीक है, इशारे की तरफ से यहाँ पर जो है इशारे से चीज़ों से जो समझाई जाती हैं उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, उसी के लिए यहाँ पर ये मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो ये एक पर्सन ये है और एक पर्सन जो है ये है, ठीक है, ये मान लो ये बहरा है, डीफ है, ठीक है, ये पर्सन जो है ये डीफ है, बहरा है, तो आप इसको कैसे बताओगे, अपना इशारा करके, हाथ से इशारा करके तो समझा दोगे, ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज को भी मनाते हैं और वो तारीख है 23 सितंबर 2000 क्या कह सकते हो आप, 23 सितंबर को ही हर साल हम मनाते हैं।
क्यों मनाता है ये आपको पता चल गया कि जो डीफ हैं, बहरे लोग हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कर सकें, अपनी लैंग्वेज समझा सकें। तो फिर अब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। सबसे पहला पूछा जा सकता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ प्रेसिडेंट। ये जो डीफ लोग हैं, बहरे लोग होते हैं, डीफ लोग होते हैं, इनके लिए जो है फेडरेशन बनाया हुआ है। तो फिर इसके बारे में बात करेंगे, जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है जोसेफ जी मुर्रे। ठीक है, और ये जो फेडरेशन है कब फाउंड करा गया था, कब खोजा गया था, वो है 23 सितंबर 1951 में खोजा गया था, जिसकी वजह से 23 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल साइन डे मनाते हैं। ओके, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अब आपसे पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है इसका हेलसिंकी, फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आज के हमारे डेली करंट अफेयर शो की लास्ट न्यूज़ ये बोलती है एक ओबिटियरी न्यूज़। ओबिटियरी न्यूज़ यानी कि किसी पर्सनैलिटी की जो डेथ हो गई है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो वेतरन, एक मराठी एक्ट्रेस हैं ये, इनकी पिक्चर देख रहे होंगे, मराठी एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है आशा लता वबगांवकर। इनकी डेथ हो चुकी है, आपने कोई मूवीज़ देखी होंगी तो आपको पता भी होगा इनके बारे में। ठीक है, तो ये एक मराठी एक्ट्रेस थी, साथ ही साथ हिंदी फिल्म्स भी करती थी। तो इन्होंने कौन कौन सी फिल्म करी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अपने पर आए, वो सात दिन, नमक हलाल, जंजीर, और काफ़ी सारी फिल्म करी हैं। तो इनकी अभी डेथ हो चुकी है, तो फिर यहाँ पर ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में है। तो गाइज, आज के लिए हमारा हो गया डेली करंट अफेयर शो का दी एंड। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली तीनों वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो।